आकिफ अहमद दफेदार, मैं मुंबई ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, 2018 जून जुलाई में जो इलेक्शन होंगे उसके लिए कैंडिडेट हूँ, और ख़ास तौर से मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, जीजाऊ ब्रिगेड, पंजाबराव देशमुख शिक्षक परिषद, वीर भगत सिंह विद्यार्थी परिषद, कर्मवीर भावराव पाटिल शिक्षक परिषद, छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड, मराठा उद्योग संघ, और इस तरह से और कई संगठन जिनमें बामसेफ, साथ ही साथ संत रविदास परिषद, ओबीसी संगठना और दूसरे कई ऐसे संगठन हैं जो कि इस इलेक्शन में पूरी ताकत से मेरे लिए काम कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, बल्कि पूरे देश से एजुकेटेड बहुत बड़ा तबका मुंबई में आता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है और ढेर सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स है। इसके बावजूद हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि 5% भी अगर हमारा एनरोलमेंट नहीं है, और समाज का जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड तबका है जिसको क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है, ये कहीं ना कहीं उनके अंदर अवेयरनेस न होने की वजह से है। अब सोशल मीडिया बहुत ही एक ताकतवर मीडिया के तौर पर माना जाता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत ही पिछले टर्म के मुकाबले में आज बहुत ताकतवर है। तो हमने पूरी कौम के अंदर बेदारी लाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है कि हर ग्रेजुएट वोटर बने ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का। इस ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी की खास बात यह है कि आमतौर से ये लोग समझते हैं कि जो ग्रेजुएट है यानी 10+2+3 वही है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। ग्रेजुएट में जो इक्विवेलेंट इलेक्शन कमिश्नर ने दिया है उसमें 10+3 जो डिप्लोमा होल्डर है, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, ड्राफ्ट्समैन के कोर्स करने वाले हो, आईटी का कोर्स करने वाले हो, वो भी इलिजिबल है। इतना ही नहीं बल्कि जिसने फार्मेसी का कोर्स किया है 10वीं के बाद वो भी इलिजिबल है, साथ ही साथ 12वीं के बाद जिसने डीएड किया है वो भी इलिजिबल है। और एक खास बात यह है कि इलेक्शन कमिश्नर के जो वेबसाइट है उसमें अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि पूरे मुल्क से जो अलग अलग मदरसे हैं, दारुल उलूम हैं, वहाँ से जिसने भी आलिम और फाजिल की डिग्री की है, मुंशी और दबीर की डिग्री ली है, वो भी इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट है। ये अब तक हमारे उलमा को पता नहीं था, हमारे मदारिस को पता नहीं था, दारुल उलूम को पता नहीं था, लेकिन हमने पूरी ताकत के साथ करीब करीब 1000 व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हमने ये मैसेज डाला है कि जितने भी आलिम और फाजिल जो मुंबई के रिहाइश पजीर हैं वो सबके सब अपना एनरोलमेंट करें, और कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमें ज़रूर वो कॉल करें, हमसे रब्ता कायम करें, हम 100% उनका एनरोलमेंट करा दें। अच्छा, आपके अंदाज़े से कितने मुस्लिम वोटर्स हो सकते हैं मुंबई कॉन्स्टिट्यूएंसी में? दरअसल अगर जो तालीमी अदारे हैं अगर वो संजीदगी से इस बात को समझते हैं कि हमारा एजुकेटेड यानी कि ग्रेजुएट का एनरोलमेंट कितना अहम है, तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में मुंबई के अंदर कम से कम 10 लाख से ज़्यादा हमारे ग्रेजुएट मुस्लिम होना चाहिए। और जितने स्कूल हैं, उर्दू स्कूलों की अगर बात करें तो करीब करीब 280 उर्दू हाई स्कूल हैं। अच्छा, और साथ ही साथ जूनियर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो ऐसे कम से कम 15 इंस्टीट्यूट मुसलमानों की मिलते हैं। अगर ये सारे हेडमास्टर्स और इंस्टीट्यूट्स और ट्रस्टीज अपने तमाम बच्चों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा कराएं और उनके घर में रहने वाले जो ग्रेजुएट है या डिप्लोमा होल्डर्स है या आलिम है या फार्मासिस्ट हैं या उनके पड़ोस में रहने वाले को है, जिस तरह से बहुत सारी गवर्नमेंट की चीज़ें होती है जो कि बच्चों पर हम लोग लादते हैं कि आपको ये करना है, कैंसर के लिए एड करना है, कैंसर के लिए पैसे जमा करना है, और भी जो इंडियन आर्मी के लिए कलेक्शन करना है, बच्चों को फॉर्म्स दिए जाते हैं, बच्चे घर घर जाते हैं। अगर हम लोग बच्चों को भले घर घर तमाम जगह न घुमाते हुए कम से कम एक राइट और एक लेफ्ट, इतने ही दो घर करने के लिए कहें कि आपके पास कौन ग्रेजुएट है या कौन डिप्लोमा है, आप उसका एनरोलमेंट कराएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुंबई में कम से कम 5 लाख मुसलमानों का एनरोलमेंट हो सकता है। हमने खुद जाती तौर पर 60,000 फॉर्म्स प्रिंट किए हैं और पूरे मुंबई में तकसीम किए हैं। अभी ऐसा लगता है कि करीब और 50,000 फॉर्म्स हमको प्रिंट करने पड़ेंगे। सब बाकी लोगों की तरफ से आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है?
जहाँ तक रिस्पांस की बात है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा तालीमी तबका, तालीमी जो सबसे तालीम याफ्ता तबका है, अभी भी इसकी अहमियत को जैसे समझना चाहिए वो नहीं समझा। ये सबसे बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि ये ग्रेजुएट्स का एम्पावरमेंट है, ये ग्रेजुएट समाज का सबसे आला तबका है, और ये माना जाता है कि आला तबका ये सबसे ज़्यादा सूझबूझ रखने वाला है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सबसे ज़्यादा एजुकेटेड तबके में जैसी अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके बारे में जैसी फिक्र होनी चाहिए, इसकी अहमियत को जैसा समझना चाहिए, अब भी उन्होंने नहीं समझा है। इसके लिए जितना तड़प के साथ इस एनरोलमेंट में पार्टिसिपेट होना चाहिए, उतना नहीं हो रहे हैं। अच्छा, अभी क्या ये कब तक चलने वाला है काम, इसकी लास्ट डेट कब है? अभी फिलहाल इलेक्शन कमिश्नर ने जो डिक्लेयर किया है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, 6 नवंबर उसकी आखिरी तारीख है, 6 नवंबर तक एनरोलमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये इलेक्शन जीतने के बाद कैंडिडेट जो है को कौन सी हैसियत मिलती है, और वो पॉलिसी मेकिंग बॉडी में क्या रोल अदा कर सकता है? ये MLC का इलेक्शन है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जिस तरह से कोई MLA आम अवाम चुनकर देती है, ये MLC सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट तबका ही चुनकर देता है। ये MLC होता है, ये MLA के इक्विवेलेंट है। यहाँ जितनी भी असेंबली के अंदर जितनी पॉलिसीज बनती हैं, ठीक उसी तरह से उस पॉलिसी को कोई प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए, जैसे विधानसभा में मंजूरी ली जाती है, विधान परिषद में भी मंजूरी लेना जरूरी होता है।